नेक्स्ट, अब ये पार्ट मैंने इसलिए डाला है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड को डाला है। इस यहाँ पे हम मेनली जो बात करेंगे हमारी रिकवरी सिस्टम में, वो हम बात करेंगे हमारी स्टेबल स्टोरेज से रिलेटेड, हमारी स्टेबल स्टोरेज से रिलेटेड। आपका जब भी फेलियर अक्कर होता है तो आपकी स्टेबल स्टोरेज का उस रिकवरी के अंदर बहुत ही अहम महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में। वोलेटाइल स्टोरेज मीन्स, आपको पता है हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल इज योर मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरीज। ओके, आपका सिस्टम नॉट सर्वाइव आफ्टर क्रैश। ओके, वहीं पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, एग्जाम्पल इज डिस्क और योर टेप ओके, यस रवि सिंह, डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टील अप्रोच वर्सेस फोर्स अप्रोच। देखिए, यहाँ पे बात की गई है आपकी फोर्स अप्रोच एंड नो फोर्स अप्रोच में। देखिए, आपकी स्टील अप्रोच कहती है कि आपको कमिट का वेट नहीं करना है, आपके डाटा को सेव कर देना है। ये बात कर रहा है कि आप बिफोर कमिट ऑपरेशन काम करेंगे। रवि सिंह, यहाँ पे बात की गई है बिफोर कमिट की, और यहाँ पे जो बात की गई है वो आफ्टर कमिट की बात की गई है। ओके, यहाँ पे जो बात की गई है वो आफ्टर कमिट के बारे में बात की गई है कि कमिट ऑपरेशन के बाद कैसे काम कर सकते हो आप, और यहाँ पे स्टील अप्रोच में जो काम की बात की गई है वो की गई है आपकी बिफोर कमिट ऑपरेशन की। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, एग्जाम्पल इज योर डिस्क। आपके सिस्टम क्रैश से रिलेटेड इसको कोई, सिस्टम के फेलियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, सिस्टम में आपकी डिस्क है, आपका पावर फेलियर हो जाता है तो आपकी डिस्क पे जो डाटा है वो एसडीज रहता है, ठीक है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे अगर आपकी फेलियर अक्कर हो जाता है तो आपको पता है आपकी मेन मेमोरी में उस टाइम पे जो भी डाटा प्रेजेंट था वो सारा डाटा क्या हो जाता है, आपका फ्लैश हो जाता है। लास्ट वन इज स्टेबल स्टोरेज। स्टेबल स्टोरेज आपकी ये बात करती है रिलेटेड टू फेलियर्स। ये आपकी ऐसी स्टोरेज फॉर्म है जिसमें हम फेलियर से कैसे रिकवरी कर सकते हैं, फेलियर्स होने से पहले क्या क्या प्री रिक्वेस्ट हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, स्टेबल स्टोरेज में मेनली क्या होता है कि आपका जो भी डाटा है उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं, हमारी मल्टीपल कॉपीज़ को मेंटेन करते हैं। तो चलिए स्टेबल स्टोरेज से रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। तो स्टेबल स्टोरेज आपकी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, इसमें क्या होता है आपकी, जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच ब्लॉक। आपके डाटाबेस, आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब की मेंटेन की जाएंगी बहुत सारी कॉपीज। ओके, एंड सेपरेट डिस्क की बात की गई है, अलग अलग डिस्क पे आपका डाटा स्टोर होगा, ठीक है। कॉपीज आपकी रिमोट साइट पे भी हो सकती हैं, रिमोट साइट्स मींस कि एक कॉपी आपकी फॉर एग्जांपल हैदराबाद में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉपी आपकी दिल्ली में प्रेजेंट है, थर्ड कॉपी आपकी पुणे में प्रेजेंट है, तो इस टाइप से मींस आपका डाटाबेस है यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। ओके, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे कुछ नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके कारण हमें हमारे डाटाबेस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेलियर्स हैं वो फॉलो करने पड़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हमारे डाटाबेस ट्रांसफ़र के दौरान कोई फेलियर अक्कर हो जाता है तो उसके साथ हम कैसे काम करेंगे। फेलियर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफ़र कैन स्टिल रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट। आपकी ये भी आपके डाटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर फेल करेगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर शो करेगा। ओके, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, ब्लॉक ट्रांसफ़र जो आपका हुआ है या तो वो सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ है मींस कि आपके डाटा को आपने स्टोर कर लिया है,
सेकेंड इज पार्शियल फेलियर. पार्शियल फेलियर का मीनिंग ये है कि आपकी कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स कि आपने आपके सोर्स डेस्टिनेशन से डाटा ट्रांसफ़र किया. इन बिटवीन योर सोर्स प्लेस एंड डेस्टिनेशन प्लेस उस डाटाबेस के अंदर, उस डाटा के अंदर आपका कोई पेनिट्रेशन हो गया या किसी हैकर ने कोई अटैक किया और आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट हो गई है. ओके. थर्ड पार्टीज टोटल फेलियर. यहाँ पे हम बात करें स्टेबल स्टोरेज के बारे में. ओके. कन्फ्यूज नहीं होना है. स्टेबल स्टोरेज, स्टेबल स्टोरेज मीन्स आपके डाटाबेस की मल्टीपल कॉपीज आपको मेंटेन करनी है. और मल्टीपल कॉपीज जैसा मैंने आपको पहले भी लिखा है, रिमोट साइट्स पे हम फॉलो करते हैं. आपका जो बिग डाटा है, बिग डाटा में हमारे पास क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेटाबाइट्स. ओके. पेटाबाइट्स में. और इतने डाटा को हम एक ही प्लेस पे एक कॉपी के साथ नहीं रख सकते हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल उस प्लेस पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, वहाँ पे कोई फ्लड आ जाती है या आपकी कोई बाहरी कोई प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है. ओके. कोई रिस्ट्रिक्शन अक्कर हो जाता है तो हमारा डाटा लॉस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं. इसलिए हम इस डाटा को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इसकी मल्टीपल कॉपीज को मेंटेन रखते हैं. ठीक है. कि अगर एक साइट पे यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेकेंड साइट से हम उस डाटा को इजली अवेलेबल करवा सके हमारे उस डाटा पे काम करने वाले पर्संस को, उस डाटा पे काम करने वाली कंपनीज को, फर्म्स को. ओके. तो यहाँ पे जब आप इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, साइट्स पे डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, उस टाइम पे आपकी क्या क्या फेलियर होंगे या क्या क्या आपका रिजल्ट होगा. ठीक है. फर्स्ट रिजल्ट इज या तो आपका सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर सेकेंड कोई पार्शियल फेलियर अक्कर होगा, या थर्ड वन इज टोटल फेलियर अक्कर होगा. ठीक है. कि पार्शियल फेलियर मीन्स कि आपका कुछ बिट्स ऑफ डाटा या कुछ बाइट्स ऑफ डाटा आपका वो है करप्ट हो गया है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र. टोटल फेलियर मीन्स कि आपका डाटा आपने ट्रांसफ़र किया लेकिन वो डाटा वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, या आपका जो ब्लॉक है उसमें यहाँ पे आपने अपडेशन किया, इस साइट पे अपडेशन कर दिया लेकिन सेकेंड साइट पे उस पर कोई भी अपडेशन है वो शो नहीं हो रहा है. मीन्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल फेलियर. दैट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल फेलियर. तो जब भी आपका कोई भी डाटा ट्रांसफ़र फेलियर होता है, इफ़ ए डाटा ट्रांसफ़र फेलियर अकर्स, सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा और उसके रिकवरी से रिलेटेड जो भी उसके पास प्रोसीजर्स होंगे उन सभी प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जाएगा कि हम कैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक की, जिस ब्लॉक को हम ट्रांसफ़र कर रहे थे उसकी रिकवरी कर सकते हैं. ठीक है. उस ब्लॉक को कैसे उसकी जो कंसिस्टेंट स्टेट थी बिफोर फेलियर वहाँ तक हम उस डाटा को कैसे ईजिली प्राप्त कर सकते हैं. ओके. तो फेलियर से रिलेटेड बात की जाएगी यहाँ पे. एग्जीक्यूट फेलियर से रिलेटेड हम बात करेंगे. प्रोटेक्टिंग स्टोरेज मीडिया फ्रॉम फेलियर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफ़र. कि आप कैसे आपके डाटा के फेलियर के से पहले ही आपके डाटा ट्रांसफ़र के दौरान आपके जो भी डाटा बेस है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज और इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमारे डाटा की हम दो कॉपीज़ हैं हमारे पास. ठीक है. टू कॉपीज़ ऑफ ईच ब्लॉक. सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक पे राइट करेंगे. पहला जो ब्लॉक है, राइट द इन्फॉर्मेशन ऑन टू द फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक. जो पहली साइट है उस पर हम राइट करेंगे. फिर अगर वो फर्स्ट राइट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, अगर आपका फर्स्ट जो राइट है, जो पहली साइट है आपकी डाटाबेस की, दिस वन इज साइट वन, साइट टू, आप यहां पे काम कर रहे हो, आपने यहां पे काम किया और यहां पे आपका जो राइट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आपको उस सेम इंफॉर्मेशन को राइट करना है सेकेंड फिजिकल ब्लॉक पे. राइट करना है सेकेंड फिजिकल ब्लॉक पे मीन्स आपको सबसे पहले फर्स्ट साइट पे ही काम करना है आपका टोटल. और यहाँ पे आपका जो काम कर रहे हो यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तब आपने उस काम को आपकी सेकेंड ब्लॉक पे, आपकी सेकेंड साइट पे राइट करना है सेम इंफॉर्मेशन को. ओके.
यदि आपका आउटपुट कंप्लीटेड है, ओके, द आउटपुट इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द सेकेंड राइट सक्सेसफुली कंप्लीट. आप इस टोटल जो आपने काम किया है, इस काम को आपने ये जो टोटल किया, इसको आप सक्सेसफुल कब मानेंगे कि हमारे द्वारा किया गया राइट वो सक्सेसफुल कब है? जब आपका ये काम फर्स्ट साइट पे, फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक पे, एज वेल एज ये साइट, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस आर द प्लेसेस ऑफ योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी से रिलेटेड बात की है मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें दो कॉपी को मेंटेन करना है, ठीक है. ये मेमोरी आपकी सेम प्लेस पे भी हो सकती है, आपकी डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकती है. दिस पार्ट साइट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी, ओके, दीज मेमोरी पार्ट आर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेस और मे बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस, ओके. तो आपने जो राइट ऑपरेशन, इसको टोटली आप सक्सेसफुल कब मानेंगे? जब आप इसको आपके फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक में एंड सेकेंड फिजिकल ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक पे आप उसको जब कंप्लीटली राइट कर चुके होंगे, तब आप कहेंगे कि हमारा जो हमने काम किया, हमारा जो हमने डाटा ट्रांसफ़र किया या स्टेबल स्टोरेज में हमने भी जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, ओके. टिल नाउ एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? हेलो, रवि सिंह, इसलिए ही मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपकी मेमोरी है ये सेम प्लेस पे भी हो सकती है, इट मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेस और मे बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस. जैसा मैंने पहली स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया था कि हम हमारे डाटा की एक डिफरेंट सॉरी हमारी डाटा की एक कॉपी को हम दिल्ली में रख रहे हैं, उसी डाटा की सेम कॉपी को हमने पुणे में भी स्टोर किया है, ठीक है. तो इसलिए मैंने आपको ये जस्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कैसे हम दो कॉपीज को मेंटेन कर सकते हैं, ओके. एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने बात की आउटपुट की, मींस आपके रिटर्न की, सक्सेसफुल राइट कैसे करेंगे. और यदि आपके सक्सेसफुल राइट के दौरान ही, उस दौरान यदि कोई फेलियर अक्कर हो जाता है, मींस जब आप ये काम कर रहे हो, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, मींस आप जब ये वाला प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे, अब इस प्रोसीजर में जब आप ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो आपके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस दौरान यदि आपका कोई फेलियर अकर हो जाए, तो उस फेलियर से हम कैसे रिकवरी करेंगे, अब हम जानेंगे उसके बारे में, ओके. टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, ओके, टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है कि आपको जिस ब्लॉक को आप ट्रांसफर कर रहे थे, जिस डाटा को आप ट्रांसफर कर रहे थे, वो डाटा किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ब्लॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले आपको उस इनकंसिस्टेंट ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, इनकंसिस्टेंट ब्लॉक को आपको फाइंड आउट करना है जिसके कारण आपका फेलियर अक्कर हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. यहां पे हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है. फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है कि आपके पास ब्लॉक हैं, अब जो दो कॉपी आपने मेंटेन की है उन दोनों कॉपी को आप कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर दीज टू कॉपीज ऑफ एवरी डिस्क ब्लॉक. अब इसमें आप करेंगे तो ये एक्सपेंसिव किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ टाइम वेस्टिंग. आप दोनों कॉपी को मेंटेन कर रहे हो, आपकी कॉस्ट लग रही है. सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो. थर्ड पार्ट, आपकी मैन पावर यहाँ पे बिजी हो रहा है. आपके पास कुछ आपके एम्प्लॉयज़ को आप स्पेशल इसी काम पे लगा रहे हो. तो इस टाइप ये इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल्यूशन माना जाता है. इससे अच्छा हमारे पास एक बेटर सॉल्यूशन,
बेटर सॉल्यूशन क्या है कि देखिए, हम पहले डिस्कस की मैंने आपको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, दैट इज डिस्क. आपका जो रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस डिस्क राइट्स ऑन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो भी इन प्रोग्रेस डिस्क राइट्स थे उन सभी को आप पहले रिकॉर्ड कीजिए और यूज दिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिकवरी टू फाइंड द ब्लॉक दैट मे बी इनकंसिस्टेंट. कि आपने जो प्रोग्रेसिव पार्ट आपके डिस्क पे हो रहा था, प्रोग्रेसिव जो राइट्स हो रहे थे उनको फाइंड आउट किया, उनको आपने रिकवरी में यूज करना है. ठीक है, रिकवरी के दौरान फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा कौन सा ब्लॉक था जिस पे हम काम कर रहे थे वो इनकंसिस्टेंट हुआ है यहाँ पे, और हम सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक को यहाँ पे कंपेयर करेंगे. ओनली कंपेयर कॉपीज ऑफ दीज ब्लॉक्स, ओनली कंपेयर कॉपीज ऑफ दीज ब्लॉक्स. ओके, दिस इज द बेटर सॉल्यूशन कि सबसे पहले आप जो भी डाटा आपका प्रेजेंट है, जो कंसिस्टेंट है, उसको वहाँ तक आपको काम करना है. उसके बाद आपको उस इनकंसिस्टेंट ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, और उस इनकंसिस्टेंट ब्लॉक पे आपको फाइंड आउट हो गया, उसके बाद आपने अपनी कॉपीज को कंपेयर करना है कि हमारा कहाँ फेलियर अक्कर हुआ था इस इनकंसिस्टेंट पार्ट के लिए. ओके, इसको हम मेनली हार्डवेयर में यूज़ करते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डिस्क फेलियर के लिए हम RAID सिस्टम को यूज़ करते हैं. दैट इज़ द मेन बेस्ट एग्जाम्पल कि आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं. अब हमारी इनकंसिस्टेंट ब्लॉक की कॉपी है, उसको हमने डिटेक्ट भी कर लिया, उसमें किस किस टाइप के एरर कर हो सकते हैं. हमने बात की ना इनकंसिस्टेंट ब्लॉक की, अब इस इनकंसिस्टेंट ब्लॉक में आपके किस टाइप के एरर अक्कर हो सकते हैं. फर्स्ट एरर इज कि आपका चेकसम आपका बैड चेकसम है. ये चेकसम से रिलेटेड आप कंप्यूटर नेटवर्क में स्टडी कर सकते हो कि जब हम कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी डाटा लिंक लेयर में और हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में हम कैसे हमारे डाटा को कंपेयर करते हैं. चेकसम एंड दिस पार्ट, वहाँ पर आप स्टडी करेंगे इनको, आपकी CRC, checksum इस, ये आपकी कुछ error detection and correction methods हैं. Correction methods, okay. यहाँ पे हमने बात की either copy of in block is detected to have an error. क्या होगा उसमें एक error हो, like example is चेकसम की, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको कि इस टाइप का कोई एरर हो, या फिर उसको हमने किसी दूसरी कॉपी से ओवरराइट कर दिया है, ओवरराइट इट बाय अदर कॉपी, कि हमने उसी के ऊपर कोई दूसरा डाटा है उसको राइट कर दिया है. ठीक है, अगर इफ़ बोथ हैव नो एरर, आपकी दोनों कॉपीज में कोई एरर नहीं है, देन बट आर डिफरेंट, एरर भी नहीं है और डिफरेंट but are different, overwrite the second block by the first block. ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि आपका कोई एरर भी नहीं है, आपकी दो कॉपी मेंटेन की है हमने. देखिए, हमने आपकी दो कॉपीज मेंटेन की, ये कह रहा है कि दोनों कॉपीज में कोई एरर भी नहीं है और दोनों कॉपी ही डिफरेंट हैं. दोनों कॉपी में कोई एरर नहीं है और दोनों कॉपी ही डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ पे आपका जो सेकेंड ब्लॉक है उस सेकेंड ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक से ओवरराइट कर दीजिए, फर्स्ट ब्लॉक से ओवरराइट कर दीजिए. दिस इज रिलेटेड टू योर रिकवरी पार्ट कि आप कैसे इस फेलियर से रिकवरी कर सकते. ओके, तो ये थी आपकी, जब स्टेबल स्टोरेज या फिर आपके डाटा ट्रांसफर के दौरान कोई फेलियर अक्कर होगा तो हम कैसे उससे रिकवरी कर सकते हैं. ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा रिकवरी एंड अटोमिसिटी. रिकवरी एंड अटोमिसिटी में हम बात करेंगे
कि हम कैसे हमारे ट्रांजेक्शन में हमारी इनकंसिस्टेंट स्टेट थी, डाटा मॉडिफिकेशन हम करते हैं उसका एक एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एटॉमिसिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, हमारी क्या क्या अप्रोचेज हैं रिकवरी के लिए, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स।